नमस्ते दोस्तों, मनी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सूप, जो कि सर्दियों में काफ़ी फायदेमंद होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए इसे तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने सारी सब्जियां पहले से काट कर रखी है, जिसमें हमने लिया है थोड़े से गाजर, बारीक कटे हुए अदरक, लहसुन, बंद गोभी, थोड़े से हरे प्याज, शिमला मिर्च और थोड़े से हरे मटर के दाने। सबसे पहले हम पैन में बटर डाल लेंगे। आप इसकी जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसमें बटर डाला है क्योंकि बटर से सूप का स्वाद बढ़ जाता है। बटर जब गल जाए तो इसमें अदरक लहसुन डाल लें, इसे थोड़ा सा लाल कर लेते हैं। अब इसमें बाकी के सब्जियां एक एक करके डालते जाएं। तब डालकर इसे एक दो मिनट के लिए पका लें। अब इसमें दो गिलास पानी डाल लें। पानी डालकर इसे एक मिनट के लिए ढक दें ताकि इसमें उबाल आ जाए। दूसरी तरफ एक कटोरी में थोड़ा सा मकई का आटा ले लें। हल्का पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए ये मिक्स हो चुका है। सूप में उबाल आ चुका है। अब इसमें ये डाल लेते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च डाल लें, जिससे सूप में तीखापन आएगा। स्वाद अनुसार नमक भी डाल लें। अब इसे दो मिनट के लिए ढक दें। सूप तैयार हो चुका है, जो दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो आप भी इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले किसी डिश के साथ। नमस्ते।